हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद नान और आप देख रहे हैं टेक्नो अदनान यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेमिंग माउस के हवाले से कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको कौन कौन से गेमिंग माउस देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, अगर आपको ये गेमिंग माउस ख़रीदने जाएँ तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने चाहिए ख़रीदने से पहले, और क्या क्या चीज़ें गेमिंग माउस में होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज हम उसके साथ साथ अनबॉक्सिंग करेंगे इस गेमिंग माउस की, जो कि एक लोकल गेमिंग माउस है, कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके अलावा आज हम इसके फीचर्स के हवाले से बात करेंगे और आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह बताएंगे और आपको गाइड करेंगे कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको कौन सा गेमिंग माउस ख़रीदना चाहिए। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दो ही तरह के माउस होते हैं, एक लोकल माउस होते हैं और एक ब्रांडेड माउस होते हैं। सो ब्रांडेड माउस में जो है आपको बहुत तरह के माउस देखने को मिल जाएंगे, ब्लडी कंपनी के, उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस मॉडल है J95, और तकरीबन वो सब लोग ही यूज़ कर सकते हैं, सबके हैंड पे इजीली बैठ जाता है वो माउस। और उसके अलावा लोकल माउस जो है उसमें आपको एक ये माउस देखने को मिलता है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके अलावा आपको थोड़ी लो रेंज के भी माउस देखने को मिल जाते हैं, जो कि 650-600 तक के होते हैं, ये 1000 वाला है। उसके अलावा जो गेमिंग माउस ब्लडी वगैरह की या ब्रांडेड जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग 3500 यानी 3500 से उसकी स्टार्टिंग होती है, और 8-10 हज़ार के भी माउस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो को। सो ये थी हमारे एक लोकल माउस की अनबॉक्सिंग, और उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके थोड़े से फीचर्स वगैरह के हवाले से। सो इस माउस के अंदर आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, अंदर जो RGB लाइट्स होती हैं उसमें इंडिविजुअल कलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा नियॉन इफेक्ट्स जो आपस में मिल के कलर बनते हैं वो भी इस माउस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बैक लाइट नियॉन वाली मौजूद है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके बटन्स की, तो इसके अंदर आपको 5 बटन्स देखने को मिलते हैं, 2 ये बटन, उसके अलावा इसका जो रोलर है उसके अंदर भी एक बटन दिया गया है, और यहाँ पे ये जो आपको बटन है ये DPI बटन दिया गया है, और साइड में इसके आपको देखने को मिल जाएंगे 2 बटन जो कि अंडू और रीटू है। इसको आप लोग अपना पबजी के अंदर पीक पे भी रख सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा कि इन बटन्स को आपको किस तरीके से यूज़ करना है और इसको आप अपने पबजी में पीक पे किस तरीके से रख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए इस माउस के यूज़ की, तो इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ माउस है। उसके अलावा अगर ये माउस ख़रीदने का मुझसे पर्पस पूछा जाए कि मैंने ये माउस क्यों लिया, मुझे मैंने ब्लडी का J95 क्यों नहीं लिया, या फिर ब्लडी के और भी बहुत सारे माउस आते हैं वो क्यों नहीं लिए, सो सबसे बड़ा जो रीज़न है ये माउस बाय करने का वो ये था कि इस माउस की ना लुक थोड़ी सी अलग है। जैसे कि J95 की एकदम ब्लैक लुक है, इसकी ना थोड़ी सी मेटल टाइप बॉडी आती है यहाँ पर, और ये बीच में प्लास्टिक, और ये भी शायद ही मैटर, मुझे कन्फर्म नहीं है। इसकी जो लुक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से मैंने ये माउस बाय किया है। उसके अंदर बाकी जो J95 में क्वालिटीज़ हैं वो भी सारी इसके अंदर मौजूद हैं, और प्राइस भी ये आपको बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड करता है। इसी का सेम जो एक मेड इन चाइना है वो आपको तकरीबन 650 का मिल जाएगा, ये वाला माउस आपको 1000 रुपीज़ तक का मिलेगा मार्केट के अंदर। हो सकता है प्राइस बढ़ भी गई हो और कम भी हो गई हो। उसके अलावा अगर बात की जाए कि ब्लडी वगैरह के, वो तो 3500 से स्टार्टिंग है और 10-10 हज़ार तक माउस जाते हैं। माउस की जो DPI है वो मुझे थोड़ी सी कंफर्म नहीं है। उसके अलावा डब्बे पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं भी DPI मेंशन नहीं है कि ये कितनी DPI तक सपोर्ट करता है, और आगे से ज़्यादा डब्बा तो इसका चाइनीज़ में है। ये इसका DPI बटन है, अगर आपके कंप्यूटर में ये सही से काम नहीं कर रहा तो आप इसको यहाँ से बार बार प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी DPI, और फिर ये स्मूथली वर्क करने लग जाएगा। ओवरऑल रिव्यू यही है कि अगर आप लोगों के पास थोड़े से कम पैसे हैं या आप सस्ते में कोई अच्छी चीज़ चाह रहे हैं तो ये माउस बेस्ट है, 1000 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो J95 वगैरह के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको लाइट्स भी मिल जाएंगी, 5 बटन भी मिल जाएंगे, और ज़्यादा DPI भी मिल जाएगी, सो आपको पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला माउस भी बाय कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।